मेरा नाम जय है। मैं अपनी पत्नी के माँ बाप को ढूंढने यहां लंका आया था, आकर इस परेशानी में फंस गया। मेरी पत्नी गर्भवती है, अब वो कैसी होगी, किस परिस्थिति में होगी, कुछ भी पता नहीं। छोड़ दो सर, आर्मी सर, हम लोग लंका से नहीं मद्रास से हैं, हम लोगों को छोड़ दो सर, प्लीज सर। हम लोग यहाँ चाय पत्ती लेने के लिए आए थे सर, हमसे गलतियों की माफ कर दीजिए सर। तुम क्या यहीं रहने वाले हो? नहीं, मेरी बीवी के माँ बाप दोनों जाफना में रहते हैं, काफी पहले वो उनके पास से इंडिया आ गई थी। यहाँ किस लिए आए हो? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सोच रहा था उसकी माँ उसके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। चार दिन में लौट जाऊँगा सोचा था, मगर चार महीने हो गए लौट नहीं पाया। आखिर में कोलिनूर में उसकी माँ रहती है यही पता चला था, वहाँ जाकर पूछताछ की, पता चला वो गुजर चुकी हैं। अभी तुम्हारी वाइफ का कौन सा महीना चल रहा है? अभी तक तो डिलीवरी हो चुकी होगी। आप लोग किस लिए आए हैं? हाँ, हम लोग इसकी वजह से आए हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उस कमीने सेठ की बात पर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ए, उसकी बात तू बिना सोचे समझे मान लेगा? ठीक है, अगर चाहो तो अपने पैसे वापस ले सकते हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना, जो पैसे वापस कर देगा, है ना? ए, आज के बाद से हम लोग तुम पे यकीन नहीं करेंगे। हम लोग वापस आ गए। जय, हम सब जिंदा बच जाएंगे ये सोचा ही नहीं था। हाँ जय, हमारी जान तेरी वजह से ही बची, बताना तेरे लिए क्या करें? कुछ नहीं यार, बस मेरे दोस्त बनकर रहना। जरूर यार, फ्रेंडशिप भाई। ये!
अरे वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत और हरी भरी है ना। अरे मैं कोई कम हरा भरा हूँ क्या? पर तू ही मुझे लाइक नहीं करता यार। देख, ज्यादा बोलेगा तो यही धकेल दूंगा। मेरी पर्सनालिटी को देख कर तुझे जलन होती है ना? अरे तकले, तेरी पर्सनालिटी से किसी को जलन हो सकती है क्या? मिस्टर जय, ऐसी जगह पर क्यों रहते हो तुम? मेरा लेखा से शादी करना पिताजी को पसंद नहीं था, फिर भी मैंने उससे शादी की। मेरे पिताजी ने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, इसलिए हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ किसी को पता ना चले। अरे यार, मेरे पापा भी मेरे प्यार के खिलाफ थे और हमेशा विलेन के जैसे ही बर्ताव करते थे। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ। मुझे पानी से एलर्जी है और इन लोगों ने पानी में ही घर बनाया है। लेखा, 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 कहाँ गई थी? तुम नहीं दिखी तो मैं डर गया। मैं तो यही थी। तुमसे वापस मिलने की उम्मीद मैंने खो दी थी। अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतने कष्ट नहीं उठाए। देखो, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, वरना मुझे भी तकलीफ होगी। इतनी देर से क्या कर रहे हो? पता नहीं यार। ठीक है, माँ को मिले। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा? ओह, बच्चा वो उधर है। हमारे बच्चे का नाम क्या है पता है? पिताजी के नाम पे ही सत्या रखा है। सत्या बाबू, सत्या बाबू, सत्या बाबू। लगता है इसे कोई दूसरा नाम नहीं मिला। लेकिन तुझे बताने का क्या फायदा, तेरा नाम तो पहले से ही बेकार है। मेरा नाम इतना अच्छा है इसीलिए इसे जलन हो रही है। यही है मेरी पत्नी लेखा, और इन लोगों से मेरी लंका में ही दोस्ती हुई। ये शिवा। हाय। मनी। मेरा नाम अजीत है। और ये राज। हेलो। ए, देखना वो कितनी खूबसूरत है। अबे, वो दोस्त की वाइफ है। जय, बच्चे को देख लिया, अब हम लोग को निकलना चाहिए। पहले सब लोग आराम कर लो, दो दिन रुक कर फिर निकलना तुम लोग। ठीक है, हम लोग कहाँ रुकेंगे? वहां देखो, उस घर में। उस घर में कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता है। पहले एक बुढ़िया रहती थी, फांसी लगाकर वो मर गई।
ए सुनना, अरे उठना भाई। अरे उठना यार। क्या हुआ यार? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रहे हैं भाई। चुपचाप सो जा। अरे क्या हुआ? अरे उधर देख। अरे देखना कितनी खूबसूरत लग रही है। तेरी तो। उठ, ना तो खुद सोता है ना हमको सोने देता है। कितना डरावना सपना था। चुपचाप सो जा, नींद खराब कर।